नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि ये दीपावली आपके और आपके परिवार के लिए काफी खुशियां लाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूं 5 रुपए और 10 रुपए के ऐसे माता वैष्णो देवी के सिक्के, जिनको की मैंने हाल ही में खरीदा है। तो क्या खास बात है उन सिक्कों में और उन सिक्कों की क्या कीमत है, इन सभी बातों की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, एक्चुअल में जो सिक्के मैंने आज यहाँ पर खरीदे हैं वो इस तरह के कॉमन सर्कुलेशन वाले सिक्के नहीं हैं, बल्कि मैंने जो सिक्के खरीदे हैं वो इस तरह के सेट्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर टोटल 5 सेट, और इन सभी के अंदर है माता वैष्णो देवी के 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्के। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहला सेट यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है, और इसके दूसरी तरफ भी देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर भी आपको यही सिक्के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन सिक्कों की शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये जो सिक्के हैं ये हैं UNC सेट के सिक्के। और अब अगर आप लोग यहाँ पर इस तरह के कॉमन सिक्कों को इन सिक्कों से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इनकी शाइनिंग इनसे काफ़ी कमज़ोर है। तो चलिए मैं आपको इस तरह के एक पैकेट को ओपन करके दिखाता हूँ, और उसके बाद हम इनको कंपेयर करेंगे इस कॉमन सर्कुलेशन के सिक्कों से और देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको पैक किया गया है इस तरह से, इसको यहाँ से ग्लू से चिपकाया गया है, यानी कि हम इसको अगर चाहें तो इस तरफ से ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कॉइन्स हैं ये एकदम शाइनिंग वाले कॉइन्स हैं, बॉम्बे मिंट के द्वारा बने गए हैं, मिरर फिनिशिंग वाले हैं, यानी कि आप इसमें मेरी शक्ल भी देख सकते हैं। जैसा कि अगर हम इस तरफ से देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे फ़ोन का रिफ्लेक्शन इस पर पड़ रहा है। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनको टच किया है तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स के निशान भी पड़ गए हैं। अगर हम यहीं पर बात करें इस तरह के कॉमन सिक्कों की, कंपैरिजन करें इसका और इसका, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा फ़र्क है। ये सिक्के बिकते हैं हाई वैल्यू में, जबकि ऐसे कॉमन सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, इनको कोई भी नहीं पूछता। पीछे की तरफ से भी आप लोग देख सकते हैं आपको कितनी ज़्यादा शाइनिंग देखने को मिलती है सिक्कों में, इस सिक्के में और इस सिक्के से आप कंपेयर कर सकते हैं। वहीं 5 रुपए के सिक्के की बात करें तो इसकी शाइनिंग भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, मिरर फिनिशिंग के साथ है, जबकि यहां पर जो दूसरा कॉइन है इस पर कोई भी मिरर फिनिशिंग नहीं है। और एजेस की भी बात कर सकते हैं आप लोग, एजेस भी इसके काफ़ी शार्प हैं। इसके अलावा यहां पर आप लोग देखेंगे तो यहां पर भी एक मिरर फिनिशिंग है, आपको मेरा फ़ोन का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। और इसके अलावा इस पर भी आप लोग देखें तो इस पर कोई भी रिफ्लेक्शन या शाइनिंग नहीं है। तो अब अगर बात करें इस तरह के माता वैष्णो देवी के सिक्कों के बारे में कि ये सिक्के कितने में आपको मिलते हैं, तो ऐसा अगर एक सेट हम लेने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो एक सेट है इस तरह का, इसको मैंने यहाँ पर 5 सेट बाई किए हैं, जिसकी कीमत मुझे पड़ी है 1000 रुपये, यानी कि ऐसा एक सेट मुझे पड़ा है 200 रुपये का। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस तरह के सेट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करेंगे तो शायद इसको आप 200 रुपये से अंदर भी ख़रीद सकते हैं। यानी कि अगर बात करें इस तरह के दो सिक्कों की कीमत की, तो तकरीबन इनकी कीमत है 100-100 रुपये के आसपास। यानी कि इन
यूएनसी सेट के सिक्कों की कीमत है 100-100 रुपए। तो इस हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे इस तरह के जो कॉमन सर्कुलेशन के सिक्के हैं इनकी कीमत नॉर्मली 15 रुपये से ज़्यादा आँकी जाती है, यानी कि 5 रुपये वाले की कीमत 10 रुपये और इस 10 रुपये वाले सिक्के की कीमत 15 रुपये। लेकिन दोस्तों ये कीमतें भी तब आपको मिल सकती हैं यानी कि जब इन सिक्कों की कंडीशन भी यूएनसी हो, यानी कि ये सिक्के बिल्कुल ही नए हों, तब जाके आपको इनकी कीमत 5 रुपये ज़्यादा तक मिल सकती है और ज़रूरी नहीं है कि कोई इनको ख़रीदे ही। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन से सिक्के कितने ज़्यादा रेयर होते हैं। और दोस्तों अगर आप इस टॉपिक पर और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के हर एक सवाल का जवाब आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी वीडियोस को आगे भी पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही उस बेल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।